हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नंबर ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में होते हैं, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। यानी कि ये क्या मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ए क्या है और बी क्या है और ये आई क्या है। जो आई है इसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है दोस्तों। और जो आयोटा के साथ में होता है, आयोटा के साथ क्या प्रोडक्ट में है? बी है। ये होता है मेरा इमेजरी पार्ट, इमेजरी पार्ट। और ये ए है जो ये क्या है? रियल पार्ट, ठीक है दोस्तों। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ए मेरा रियल पार्ट है और ये आई इसको आयटा बोलते हैं और बी क्या मेरा एक इमेजनरी पार्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयटा, इसमें टू क्या है? रियल पार्ट है और थ्री क्या है? इमेजनरी पार्ट है। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है ये आयटा। आयटा क्या होता है और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज आयोटा। तो जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज आयोटा। आयोटा होता क्या है? आयोटा होता है इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस वन का स्केयर रूट कर दूं, माइनस वन का स्केयर रूट किसके बराबर होता है? आयटा के बराबर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी की पावर वन बाय टू का मतलब होता है स्केयर रूट। यानी कि अगर मैं माइनस वन का स्केयर रूट कर दूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम आयटा बोलते हैं। इसी आयटा की हेल्प से मैं आयटा स्केयर, आयटा क्यूब और आयटा फोर की वैल्यू को ड्राइव कर सकता हूँ। आइए देखते हैं आयटा स्केयर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूँ, तो इस तरफ भी स्केयर हो गया, तो यहाँ भी स्केयर हो गया, स्केयर से रूट कट गया, तो आयटा स्केयर क्या आ गया मेरे पास? माइनस वन। तो आयटा स्केयर क्या आ गया मेरे पास? माइनस वन। ऐसे ही आयटा क्यूब, आयटा क्यूब, आयटा क्यूब कैसे? आयटा क्यूब को मैं आयटा स्केयर इंटू आयटा पावर वन लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा? ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन होता है। जब बेस सेम होते हैं पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। यहाँ पे बेस क्या है? ए और पावर क्या है? एम एन। बेस सेम है, पावर जुड़ गई एम प्लस एन। सेम यहाँ बेस सेम है, पावर जुड़ गई टू प्लस वन थ्री। तो इज इक्वल टू आयटा स्केयर की वैल्यू क्या है? माइनस वन। यहाँ पे माइनस वन वैल्यू पुट कर दी और आयटा को एज इट इज रहने दिया। आयटा क्यूब इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया? माइनस आयटा। यानी कि आयटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? माइनस के आयटा। ऐसे ही आयटा फोर की वैल्यू ड्राइव करते हैं। आयटा फोर को मैं आयटा स्केयर इंटू आयटा स्केयर लिख सकता हूँ। बेस से मैं पावर जुड़ जाएंगी तो ये चीज आएगा। आयटा स्केयर की वैल्यू क्या है? माइनस वन। और यहाँ भी आयटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वन। तो यानी कि मेरे पास चार वैल्यू होगी। मैं साइड में लिख देता हूँ, आयटा की वैल्यू होगी माइनस वन का स्केयर रूट, आयटा स्केयर की वैल्यू होगी माइनस वन, आयटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयटा और आयटा फोर की वैल्यू आ गई वन। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चार वैल्यू की हेल्प से मैं आयटा से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन ईजिली कर सकता हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस फोर का स्क्वायर रूट, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। पहला है टू माइनस टू, टू आयटा माइनस टू आयटा। तो राइट आंसर क्या है? आइए देखते हैं। माइनस फोर स्केयर रूट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज आएगा। कैसे? रूट एम एन को मैं रूट एम डॉट रूट एन लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेम ये किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज आएगा।
माइनस वन का स्केयर रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है आयटा, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ से आयटा, और फोर का स्केयर रूट क्या होता है टू, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ गया टू आयटा, टू आयटा क्या है सी, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा सी। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे करेंगे सोलो, और आपके पास चार चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक है टेन आयटा और एक है टेन, तो कैसे करेंगे इसको आइए देखते हैं। माइनस फोर स्केयर रूट मल्टीप्लाई माइनस के 25, माइनस फोर स्केयर रूट को माइनस वन और फोर का स्केयर रूट लिख सकता हूँ, ऐसे ही 25 को भी सेम, ठीक है दोस्तों। माइनस वन का स्केयर रूट क्या होता है आयटा, आयटा, और फोर का स्केयर रूट क्या होता है टू, और माइनस वन का स्केयर रूट अगेन आयटा, और 25 का स्केयर रूट फाइव, आयटा के आयटा के साथ मल्टीप्लाई की तो मेरे पास क्या आ गया आयटा स्केयर, और पाँच दूनी दस, तो क्या आ गया टेन आयटा स्केयर, ठीक है दोस्तों। और आयटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन, टेन और माइनस वन मल्टीप्लाई की तो क्या माइनस के दस, एक एक आंसर यहाँ पे माइनस के टेन भी होगा, तो माइनस के टेन, तो आंसर क्या आ गया मेरा सी माइनस टेन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए और देखते हैं। जैसे आयटा रेज टू पावर टेन, इसकी वैल्यू क्या है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ए बी सी डी, ए क्या है वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आयटा रेज टू पावर टेन, आयटा रेज टू पावर टेन को आयटा स्केयर की पावर फाइव लिख सकता हूँ, पाँच दूनी दस, ये कैसे लिखा, ए रेज टू पावर एम एन को मैं ए एम की पावर एन लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, यही आएगा सेम पाँच दूनी दस, ये चीज है। और आयटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है माइनस के वन, माइनस वन रेज टू पावर क्या आ गया फाइव, और माइनस वन रेज टू पावर फाइव क्या होता है माइनस के वन, ये मैंने कैसे लिखा, अगर माइनस वन की पावर कोई इवन नंबर हो तो मेरे पास आता है वन, अगर माइनस वन की पावर कोई ओड नंबर हो तो मेरे पास आता है माइनस के वन, और ये क्या माइनस वन की पावर एक ओड नंबर है क्योंकि फाइव क्या एक ओड नंबर है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया माइनस के वन, तो माइनस वन क्या है बी, तो मेरा बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1000 होता, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखो, आयटा रेज टू पावर 1000, इसको आयटा स्केयर की पावर 500 लिख सकते हैं, आयटा स्केयर की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस वन की पावर 500, ठीक है दोस्तों, और माइनस वन की पावर क्या है कि इवन नंबर है क्योंकि 500 एक इवन नंबर है, और अगर माइनस वन की पावर इवन नंबर हो तो क्या आ जाता है मेरे पास वन, तो मेरा ए क्या आ गया राइट आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे 1000 क्या एक इवन नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे ओड नंबर हो, यहाँ पे 19 हो, तब कैसे करेंगे, चार ऑप्शन आपके पास ही, आयटा रेज टू पावर 19 को आयटा इंटू आयटा रेज टू पावर 18 लिख सकता हूँ, बेस सेम है पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है दोस्तों, आयटा एज इट इज़ आयटा 18 को आयटा स्केयर की पावर 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, आयटा एज इट इज़ आयटा स्केयर की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस वन की पावर 9, और माइनस वन की पावर क्या है एक ओड नंबर है, और माइनस वन की पावर ओड नंबर क्या आता है माइनस वन, यानी कि आयटा की पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई तो माइनस के आयटा, तो मेरा क्या आ जाएगा डी, मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ओड पावर हो, जैसे 191, कैसे करेंगे,
आयटा रेट पर 191 को आयटा इंटू आयटा रेट पर 190 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आयटा इंटू इसको आयटा स्क्वायर की पावर दोनों में 18, 2 5 10। ठीक है दोस्तों, आयटा एज इट इज़ और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन की पावर 5। माइनस वन की पावर क्या? एक ओड नंबर है, तो माइनस वन आएगा आयटा के साथ, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई माइनस आयटा, और माइनस आयटा क्या है? डी। तो मेरा डी क्या आएगा? राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए आयटा की पावर माइनस के 19 आ गया, इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आयटा रेट पर माइनस 19 को 1 बाय आयटा रेट पर 19 लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे लिखा? ए रेस्ट टू पावर माइनस एम को 1 बाय ए रेस्ट पावर एम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, आयटा रेट पर माइनस 19 को 1 बाय आयटा रेस्ट पावर 19। अगर मैं यहाँ आयटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, आयटा से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आयटा से आयटा कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। ऊपर क्या रहेगा? आयटा, और नीचे क्या रहेगा? बेस से मैं पावर रेट की, नीचे क्या बन गया मेरा? आयटा रेट पावर 20। आयटा एज इट इज़, आयटा 20 को मैं आयटा स्क्वायर की पावर 10 लिख सकता हूँ, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास? माइनस वन। यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दें, आयटा ऊपर एज इट इज, और माइनस वन की पावर क्या है? इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा? 1। आयटा बाय 1 इज इक्वल टू आयटा, तो मेरा क्या आ जाएगा? सी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें पावर माइनस पे हो। मान लीजिए फिफ्टी वन आ गया यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे? 1 बाय आयटा रेट पावर 51 लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऊपर आयटा और नीचे क्या बन गया? बेस सेम, अब पावर जुड़ जाएंगे, आयटा रेट पावर 52। आयटा एज इट इज़, इसको मैं आयटा स्क्वायर की पावर 26 लिख सकता हूँ, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, वो क्या है? माइनस वन, और माइनस वन की पावर क्या है? इवन नंबर है, तो क्या आएगा? 1। आयटा बाय 1 इज इक्वल टू आयटा, तो मेरा क्या आएगा? सी मेरा राइट आंसर। आइए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ओड नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे इवन नंबर आ जाए, 10 आ जाए, इसको कैसे करेंगे? 10 आ जाए, इसको 1 बाय आयटा रेट पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 1 बाय आयटा स्क्वायर की पावर 5, 5 × 10, और 1 बाय आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से? माइनस वन पुट की मैंने, माइनस वन रेज टू पावर 5, और माइनस वन की पावर क्या है? ओड नंबर है, तो ये क्या आएगा? माइनस वन, 1 बाय माइनस वन यानी कि माइनस वन, माइनस वन क्या है? बी, तो मेरा बी क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आयटा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आयटा रेट पर 90 प्लस आयटा रेट पर 20 प्लस आयटा रेट पर 21 प्लस आयटा रेट पर 22, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आयटा रेट पर 90 प्लस आयटा रेट पर 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19 और 1 20। सेम आयटा स्क्वायर इंटू आयटा रेट पर 19 को लिख सकता हूँ 21 को, ऐसे ही मैंने इसको। ठीक है दोस्तों, आयटा रेट पर 19 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, वो सब में से क्या आ गया? कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस में आयटा क्यूब। आयटा रेट पर 19 एज इट इज़, 1 प्लस आयटा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? माइनस वन, और आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयटा। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, आयटा रेट पर 19 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया इसका? 0। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम।
मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आयटा रेस्ट बार 240, आयटा रेस्ट बार 241, आयटा रेस्ट बार 242 प्लस में आयटा रेस्ट बार 243, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 1-1 आयटा और 0। कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आयटा रेस्ट बार 240 सब में से क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे आयटा और यहाँ पे आयटा स्क्वायर और यहाँ पे आयटा क्यूब, आयटा रेस्ट बार 240, 1 एज इट इज़, आयटा एज इट इज़, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आयटा क्यूब की वैल्यू -8। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, आयटा रेट पर 240 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 और 0 क्या है मेरा डी, यानी कि डी मेरा क्या है राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।